कोई बेवर्षी भाग रही है क्यों फोन कट करके? तू तो बड़बड़ा रहा है जिन जाग गया जाहिर करेगा। मैं तुझसे सवाल पूछा था, मेरे से बात करने के लिए एक मिनट तू दे, एक मिनट बोलूंगा ठीक है। चल मैं बोलता हूँ, हाँ मैं बोलता हूँ। अरे अल्लाह के बंदे मैं देखूंगा ना, एक मिनट मेरे शुरू ना। फिर डर गया तू? अच्छा तो मतलब आप उससे पहले मुझसे डर गए? एक मिनट बोले तेरी ठीक है इंडिया की मैं एक मिनट से कम ही बोलूंगा। मैं सब इतना बोलना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला तेरे मजहब में तुम लोग आलिमों से दीन सीखते हो, आलिम लोग तुम्हें दीन सिखाते हैं, तो ये आलिम लोग जो तुम्हें दीन सिखाते हैं तो इसके बदले वो तुमसे क्या लेते हैं? यानी यही उलमा लोग तुम्हें दीन सिखाते हैं और यही उलमा लोग तुम्हारे घरों में हलाला करते हैं, तो ये क्या तुम उसका बदले देते हो कि तुमने हमको जो दीन बताई है उसका बदला लो, लो आओ हमारे घर में हलाला करो? ये थी मेरी बात। हो गई अब? हाँ मेरे बीच में एक मिनट में आप नहीं बोलोगे ना? हेलो हेलो हल्ले हेलो 20 सेकंड हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो इसमें सबसे पहले कहा कि तुम्हारे जो दीन उलमा सिखाते तो अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में मकातिब में दीन सीखते हैं, और इसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया उलमा। अल्लाह की कसम इसने कुरान के ऊपर भी इल्जाम लगाया है, अरबी लगत के ऊपर भी इल्जाम है। ठीक है, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा, तो ये नाम के पता है के साथ है, ये सुकून के साथ बोलता है। अल्लाह की कसम ये दुनिया का सबसे बड़ा अजनबी कायनात। रास हुआ हलाला, अगर हलाले पे अगर ये ना मानता है तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अगर उसके बाद उसने तलाक दे दिया तो वो उसके लिए हलाल हरगिज नहीं है, हत्ता तन किया जौजन गैरा, यहाँ तक कि फिर वो दूसरे से निकाह करे। तो ये साफ मजाक छू गई कि कुरान मजीद ये हमारा नहीं है बल्कि ठीक है। रास हुआ एक मिनट हो गया खामोश, एक मिनट नहीं हुआ अभी साले झूठे झूठों पे लगे। अरे अल्लाह के बस कज़्ज़ाब कहेगा, तू वक्त देख झूठ मत बोल। एक मिनट से पहले अगर बोला तो तू मुनाफिक होगा। डेढ़ मिनट हो गया, डेढ़ मिनट वो अल्लाह के बंदे बोला तू मुनाफिक होगा। जब से मैं बात शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलता टाइम दिया था, तू बोला ही नहीं तो मैं क्या करूं? अरे साउंड दे रहा था तो चुप क्यों हो गया था? मैं बिना फास्ट रेट करके बात आई थी नदीम लल्ले। चल दो मिनट हो गया मेरी बात, फिर तेरे को अल्लाह के बंदे आधा क्यों सुन ना, मैं अभी 30 सेकंड भी नहीं बोला। अबे तू ऐसी तो रोते है, तू मुफ्ती अजमल से बड़ा रोता है। अच्छा तू अब तू बोलता वक्त है तेरे, पहले बोल लो, बोलने की बीमारी है। नहीं वक्त है, बोल ले तू, नहीं बोलूंगा मैं, चल बोल ले, बोल ले, रो मत, बोल ले आगे तू। देखो साहब मैंने इनसे सवाल किया था कि इनके उलिमा उल्लुमा ये असल में मैंने इनके उलिमा नहीं बोला था, ये क्या समझा कि मैंने कुरान वाले उलिमा बोला, मैंने उलमा जो इनके बोला था उल्लुमा है उससे मुराद, क्योंकि इनको दीन नहीं सिखाते, ये दीन के नाम पे धोखा देते हैं, ये उल्लुमा है। तो हम जब उलमा बोले ना तो इससे समझ जाने का, तो उसे कुरान की तरफ नहीं ले जाने का। ओके मैंने इससे सवाल किया कि तुम्हारे को तुम्हारे उल्लुमा दीन सिखाते हैं और वही तुम्हारे घरों में हलाला करते हैं, तो क्या वो दीन सीखने का तुम्हारा हनफी मजहब सीखने का तुम उनको बदल देते हो? तो इसके जवाब देने में उसको मौत आ गई, और कुरान हदीस की आयतें पेश कर रहे हैं वो इनके लिए नहीं है, इनके उल्लुमाओं के लिए नहीं है, वो अहले हदीस के लिए, इसकी इनके लिए नहीं है। और इसने जो हलाले का जिक्र किया कुरान में वो इनके यहाँ नहीं होता, इनके एक रात का होता है 5,000-10,000 रुपए लेके चोरी से छुटके से लाइट बंद करके एक रात का होता है, उसमें एक रात वाला नहीं है, 3 महीने 3 तलाक के बाद 3 महीने बाद वाला है, और उसमें कोई मुद्दत नहीं है। ऐसी हलाले पर जो एक रात का हो उसका अल्लाह के नबी ने लानत की, लानत हो हलाला करने वाले और कराने वाले पर। क्या अल्लाह के नबी ने कुरान के उस हलाले पर लानत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा जो कुरान में हलाला है हनफियत में ऐसा होता ही नहीं है, इनके यहाँ तो एक रात वाला होता है, और वो वाला बोले तो बड़ी मुश्किल से ही कहीं सुनने में आता है कि किसी ने ऐसा हलाला किया हो जो कुरान में जिक्र है कि 3 में तलाक हुई, फिर उसने किसी और से शादी की, फिर उसकी इससे तलाक हुई, या वो मर गया तो फिर उससे उसकी शादी हुई। पूरी दुनिया में एक एक केस बता दे ऐसा तेरी हनफियत में कि ऐसा किसी के साथ हुआ हो, लेकिन एक तलाक वाला 800 था, 1 लाख से बहुत ज्यादा हो गया। अपना बोला हाँ चल हो गया मेरा एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने कहा उल्लू मतलब के यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात इसने कहा है कि ये हलाला शरई के बारे में बोला, तो मैंने कुरान मजीद की आयत दी थी, इसने कहा कि सब ये अहले हदीस के लिए,
मैं कहता हूँ अल्लाह दुनिया सल्ला है, के लिए कुछ भी नहीं है, एक लफ्ज नहीं, जैसे कि न दिन के ना कुरान पढ़ने आता ना हदीस पढ़ने आता। आज जो ये एक रात के हलाले की और किसी और की बात कर रहा है, जो मतलब दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा है, तो ये इसके घर का वाकया होगा जो ये मतलब नकल कर रहा है, इसके घर में हुआ होगा, इसकी माँ के साथ बांध के साथ, मुझे मालूम है वल्लाह वाला, इसने जो नकल किया ये इसके घर में हुआ। राज हुआ मैं ये कह रहा था कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फसी तल्लका फला तहिल लहु मिन बाद हत्ता तन, अगर कोई औरत फिर तलाक दे दिया तो फिर उसके लिए वो हलाल ही नहीं है जब तक कि वो दूसरे शोहर से निकाह ना करे, तो इसका हुक्म तो कुरान मजीद में हो गया। राजवाल बात सीधे मर्दूर होती है, जैसे कि अब कुरान मजीद में या किसी चीज में वक़्त नफा मतिन का लफ्ज, यानी कि किसी को नाहक खून बहाना ये जायज नहीं है, नाजायज है, लेकिन अगर किसी का खून अगर मारे तो मर्डर होता है, इंसान का खून वाकई होता है। इसी तरीके से अगर तीन तलाक एक साथ देना सही तो नहीं है, लेकिन अगर दिए तो वाकई होगा, जिस तरीके से किसी का नाहक खून बहाना सही नहीं है, उसी तरीके से तीन तलाक एक साथ देना जायज तो सही तरीका नहीं है इस्लाम में शरीयत में, लेकिन अगर दिए तो वाकई होता है। और ये जो हलाले जिस हलाले की बात कर रहा है ये अपने घर की बात कर रहा है, और ये जो उल्लू माँ बोलता है ये अहले हदीसों के लिए हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए नहीं, हमारे लिए उलमा है अल्हम्दुलिल्लाह। मिनट हो गया, देखिए बोले एकदम सामने इकराम, ये तीसरा राउंड है, तीसरा टर्न है, इससे एक आसान सा सवाल पूछा गया, तुम्हारे उल्लू माँ तुम्हें दीन सिखाते हैं और तुम्हारे ही घरों में हलाला करते हैं, तो ये झूठा कज़्ज़ाब इतना झूठ बोला और गंदुम पूछा गया चना बता के, इससे जो हलाले का पूछा जा रहा है एक रात वाले जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बैंड किया है, और ये कज़्ज़ाब कुरान का उस तरीके को बता रहा है जो इनके वहाँ होता ही नहीं है, और ऐसा दुनिया में कोई बहुत मुश्किल से एक आध वाक्य मिल जाएगा आज के दौर में कि किसी ने ऐसा हलाला किया हो, लेकिन एक रात वाला तो 800 साल में हमारे शहर में कितने लोगों ने आके गवाही दी कि हमारी बीवी को हमने गुस्से में तलाक दे दिए, और अब मुफ्ती लोग हमारे घरों पे आके बैठ जा रहे हैं हलाले के लिए 5-5 हज़ार 10 हज़ार लेते हैं, और इनके आए दिन होते हैं, बल्कि पाकिस्तान में तो इनकी मस्जिदों में भी हलाले हुए, जब अहले हदीस ने शोर मचाया तो बात छूटी, अब झूठा क्या बोलते हैं इनके वहां होता होगा, इतना बड़ा झूठा है ये सूफी शैतान के पहले सारे कुफ्रों पे तो शिर्क करता है और फिर बाद में क्या बोलता है कि नहीं ये तो हम करते ही नहीं, ये सूफियों की सिफत है कि सारे कुफ्र शिर्क बेदत करते फिर बाद में अहले तौहीद बन जाते, कितना झूठ बोल पे झूठ पे झूठ बोल रहा है, और बिस्मिल्लाह इसको पढ़ना नहीं आते, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो वहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ देता है, डबल नून पढ़ देता है, इसको बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका वक्त मुकम्मल हुआ, इसने कहा है कि हमारे घर में सबसे पहली बात मैंने कुरान मजीद की आयत से इस्तेमाल किया था, इजाअकुम फासिकुन बिनबअ फतबय्यन, फासिक फाजिर कोई बात लेकर क्या है तो उसकी तहकीक कर लो। राजवाल जो ये बता रहा है तो मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर कि ये इनके घर का वाकया बता रहा, क्योंकि हमारे पास तो नहीं है ना, ये तो मुनाफिक है, अहले हदीस तो मुत्तफ़िका तौर पर मुनाफिक है, जब मुनाफिक कोई बात लेकर क्या है 5,000 की 10,000 की ये बात करते, ये इनके घर में हुआ होगा, इस वास्ते ये बता हाथ के साथ बता रहे, इसने कहा पाकिस्तान में ये कहीं भी, तो ये मतलब इनके करीबी रिश्तेदार ये उन्होंने तो इस वास्ते तो मुकम्मल इसके बारे में इसके रिलेशन में हो गए, इसके फैमिली में हो गए, इनके अहले हदीसों में इस तरह जगह, लेकिन जो मैंने कुरान मजीद के हलाले की जो दलील दी थी कि हलाला करना है और कुरान मजीद से साबित है, इसकी दलील अब तक के नहीं दिया, इसने सिर्फ और सिर्फ लान तान किया और खबर सुनाया, जिसके बारे में साफ कुलिया कायदा है केवल खबर यहतमिल सिदक वल किذب, और कुरान मजीद की आयत इंजाअकुम फासिकुन बिनबअ फतबय्यन, फासिक फाजिर की बात की तहकीक करना है, तो लिहाजा नदीम तो पक्का फासिक है, उसकी बात की तहकीक किया जाएगी, तहकीक की जाए। अब मैं इसे दलील मुतालबा कर रहा हूँ, अभी मेरा नहीं हुआ, अभी मेरा कहा वक्त यहाँ रिकॉर्डिंग में सर 36 से चल ठीक है, चल देखो फिर ये चौथा राउंड आ गया, ये मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे पाया, और इस झूठे ने एक बहुत बड़ा झूठ पहले इससे पहले बोल चुका है कि तीन तलाक एक वक्त में देना नाजायज है, नाजायज नाजायज किस पे बोला जाता है, हराम पर, हराम चीज को ये कज़्ज़ाब बाद में हलाल कर दे रहे हैं, कि पहले अगर दे दे तो हो जाती, क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरतुल तौबा में, इत्तखदु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, इन्होंने आलिमों दरवेशों को अपना रब बना लिया, और वो क्या करते थे, हलाल को हराम और हराम को हलाल करते थे, इस कज़्ज़ाब ने खुद इकरार किया है ये नाजायज है, नाजायज चीज हराम पे बोली जाती है, जायज चीज हलाल पे बोली जाती है, और उसे जायज बना ले रहे हैं, तो इसका झूठ इसका कज़्ब इसका दज़ल आपने देख लिया, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे पा रहा है, एक रात का हलाल है जो तीन तलाक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
इसने फिर एक बार मक्कारी की और तलाक के मौजू से हटते हुए इत्तखदु अहबारहुम और रुहबानहुम अरबाबन मिन दुनिल्लाह की तरफ चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी आलिम को खुदा नहीं बनाया, ना ही किसी को। हाँ, अगर ये बनाते हैं अहले हदीस के लिए, इनके लिए लाजिम है, क्योंकि ये बनाते हैं अपने अहले हदीस, अपने मतलब खुदा बना लेते हैं या माबूद बना, तो ये इनके लिए है, ठीक है। मेरा मौजू ये था, अगर तीन तलाक एक साथ नहीं, अगर तो इस पर तो उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि तीन तलाक एक साथ दिए तो वक्त अस्सलात, तीन तलाक वाकई हो गया है तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबा का अजीम सहाबी जिसका फैसला अगर तीन तलाक दे तीन तलाक होगा। मैंने इसकी मिसाल भी समझाया था कि एक चीज तो हराम होती है जैसे कि इंसान का खून बहाना, नाक किसी का, लेकिन अगर मारे तो मर्डर वाकई होता है। देखिए एक चीज होता है जीवाज, तो जीवाज यहाँ जीवाज की तो सूरत नहीं निकलती है, लेकिन हाँ वाकई तो होगी, क्योंकि वाकई तो होना जरूरी है ना, कि अगर कोई तीन तलाक दे तीन तलाक होती है। और इस पर तो सारे अइमा मुत्तफिक मुत्तफिक है कि अगर तीन तलाक अगर कोई दे हो गया। हाँ चलो बोले बोले, ये पांचवा राउंड है, इसने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके उल्मा जो उनको दीन सिखाते हैं और इन्हीं के घरों में हलाला करते हैं, तो क्या ये वो दीन सीखने का हरजाना देते अपने उल्मा को? अभी तक जवाब नहीं दिया। अब इसने फिर झूठ बोल दिया कि हजरत उमर ने किया, नाउजुबिल्ला। ये शिया की सबसे बड़ी सिफत है कि जहाँ वो फंसता है हजरत उमर का नाम लेके जान बचाता है। हजरत उमर ने कहीं नहीं कहा कि ये दीन है, वो ताजीरी हुक्म था, वो एक वक्ती तौर का फैसला था। उससे पहले उसी हदीस पे सहाबा इकराम का इस बात पे इजमा है, इत्तेफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि हजरत उमर के दौर से पहले अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, अल्लाह के नबी के जमाने में एक वक्त की तीन तलाक एक ही शुमार होती थी। तलाक वाक्य होगी, एक होगी, तीन नहीं होगी। अब मिसालों से दीन जो बना ले उससे बड़ा कज़्ज़ाब कौन होगा? ये दीन बनाना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है, हलाल करना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है, हराम करना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। हजरत उमर के जमाने से पहले इस बात का इजमा था कि एक वक्त की तीन तलाक एक होगी, तो बाद में उसको तीन कर देना गोया ये हजरत उमर पर इल्जाम इन कज़्ज़ाबों का। क्यों कहा है कि तीन तलाक एक तलाक होती है, इस बात पर इजमा है। तो मैं कहूँगा इंशाल्लाह नदीम से कि आप इसको मुझे दिखा दे कि तीन तलाक एक होती है, ठीक है, और मैं इंशाअल्लाह अजीज मैं तीन तलाक तीन होती है इस पर इजमा दिखाऊंगा। जो अगर इजमा दिखा दिया, इमाम मुंदिर रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल इजमा के अंदर भी इसको नकल किया है, इसी तरीके से अगर किसी ने तीन तलाक दे दिया इस तलाक तीन तलाक ही वाकई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो तीन तलाक थे, इसके बारे में अल्लामा नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ इरशाद फरमा दिया कि लोग इस तरीके से दिल में नियत तो मतलब क्या करते थे, एक मतलब एक ही की नियत करते थे लेकिन अल्फाज तीन अदा करते थे। जैसे क्या है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बला तीन ही तलाक वाकई हो गया। देखो ये छठा राउंड है, इसने अभी तक मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया और बहस को किधर लेके गया। इनसे पूछा जाए गंदुम तो ये बताते हमेशा चना है। अब मैंने हदीस दिया हूँ सही मुस्लिम की, सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत उमर खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं उस हदीस में कि अल्लाह के नबी के जमाने में, अबू बकर के जमाने में, हजरत उमर के शुरू के दौर में एक वक्त की तीन तलाक एक शुमार की जाती थी, यानी इस पर सहाबा का सबका इजमा था। अब इस इजमा की जो इनकार करे वो दुनिया में सबसे बड़ा शिया होगा, पहली चीज। और उसमें हजरत उमर ने आगे खुद कहा है कि जिस काम में अल्लाह और उसके रसूल ने इजाजत दी थी उसमें लोगों ने जल्दी की, यानी तीन महीने में तीन तलाक दो तो उसको जल्दी करके एक महीने में एक टाइम में एक पल में ही तीन देने लगे, जल्दी की तो मैं उनकी जल्दबाजी को उनसे लौटाऊंगा, सजा दूंगा, ये सजा है। सुन्नत पे अमल करने पर सजा नहीं मिलती, तलाक नहीं हुई है लेकिन तलाक करवा दूंगा, ये हजरत उमर ने कहा। हजरत उमर ने इस बात की गवाही दी कि तीन तलाक तीन महीने में ही दी जाएगी, यही अल्लाह का कानून है। अब अल्लाह के कानून को इजमा से बदला जा सकता है क्या? वो भी जमाने के कहा है सही मुस्लिम की हदीस, मैं इसे मुतालबा करूंगा कि ये सही मुस्लिम की हदीस पढ़ दे और इसमें साफ ये जुमला दिखा दे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स तीन तलाक एक ही मजलिस में तीन तलाक है तो उसकी तीन तलाक नहीं होगी बल्कि एक तलाक होगी। रहा सवाल, तो मैंने हजरत अब्दुल्ला ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जवाब खुद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बला कानर रजुल इदा तल्लक इमरतु तलाकन, मतलब ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तीन तलाक देता था अला अहदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सदर मिन इमारत उमर रजी अल्लाह अन्हु, उसके बारे में ये तीन तलाक मतलब जिक्र आ जाता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में तीन तलाक दी जाती थी, उससे मुराद क्या है? ये
यानी के क्या करता जो दुखूल से पहले तीन तलाक देता था तो उसको एक शुमार की जाती थी। एक मिनट हो गया, देखो इस झूठे कज़्ज़ाब को इसने अभी तक सातवें राउंड में मेरा जवाब नहीं दिया, लेकिन तलाक पे कितनी बुरी तरह फंसा। पहले इसने मेरे इज्मा का इनकार किया था कि हजरत उमर की उस हदीस में हजरत उमर के जमाने से पहले तीन वक्त की तीन तलाक को एक कहने पे इज्मा इसका इनकार किया था। अब इसका झूठ मैंने साबित किया तो इन्हें माना और अब मदखुला की तरफ भागा। मदखुला और गैर मदखुला ये इनके हीले बहाने सूफी शैतानों के जो इज्मा का इनकार करते हैं। सहाबा इकराम दो दो की गवाही है लेकिन उस हदीस पे बात नहीं कर रहे, मदखुला गैर मदखुला लाया। तो ये मदखुला के लिए थी या गैर मदखुला के लिए थी, और हनफियत में किसके लिए तलाक होती है वक्त की तीन? इनके यहाँ मदखुला के लिए होती है 800 साल से या गैर मदखुला के लिए। अब ये फंसा है, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और आज इसका कचूमर निकलने वाला है। जो इनने हदीस पर तावील किया ना मदखुला और गैर मदखुला है, अच्छा हदीस को इजमा बोलते हैं, इसने इजमा को नकल भी नहीं किया है। हालांकि इमाम मुंजिर रहमतुल्लाह अलैह का मैंने हवाला दिया था कि तीन तलाक अगर दे उस तलाक तीन तलाक एक साथ वाक़े होगी कि इस वास्ते कि उसे तीन तलाक दिए तो तीन तलाक ही वाक़े होगी। इसने कहा इजमा है, फिर कहता है हदीस है, तो मैं इससे मुतालबा ही करूंगा कि सही मुस्लिम की वो हदीस पेश कर दे जिसमें साफ लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तीन तलाक दी जाती थी और तीन को एक कहा जाता था और इस पर इजमा है। ठीक है, वह अलैहि इजमा, इसी के ऊपर इजमा है। लेकिन ये दिखाने से पेश करने से हदीस काफिर है, लंगड़ा है, जिंदा। मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस बात पर, एक तरफ कहता है कि हदीस है, दूसरी तरफ कहता है इजमा है। तो ये देखो खुद इसकी बात में ही तजाद है, पता चला कि ये अहले हदीस झूठ बोलते हैं। और मेरा चैलेंज है कि नजीम वह हदीस को कभी जिंदगी में नहीं पढ़ सकेगा, ये मेरा दावा है। कभी मैं मुतालबा करता हूँ कि वह हदीस पढ़ दे और इजमा को नकल कर दे, बस। चलो मेरा एक मिनट हुआ, देखो ये आठवां राउंड है, इसने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और भागा। अब फिर मंटिक मारा, तावील किया, पहले बोलता है कि इजमा नहीं है, बाद में जब इजमा साबित होने का तो बोला मदखुला गैर मदखुला का मसला लाया। मैंने उससे मदखुला मदखुला गैर मदखुला से पूछा तो यहाँ से भी भागा, बोला उसमें इजमा का लफ्ज किधर है? तो ये लफ्ज ढूंढते नहीं, यहूदियों का काम है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहे अल्लाह के नबी के जमाने में, जमाना पूरा अबू बकर के जमाने में, खिलाफत का पूरा जमाना, हजरत उमर के शुरू का जमाना, सब इसमें एक वक्त की तीन तलाक एक शुमार की जाती थी। ये इजमा की तरह इशारा है, इत्तेफाक है, किसी का इख्तलाफ नहीं है। अगर ये नहीं होता सहाबी इसकी वजाहत करते, बोलता अल्लाह के नबी ने कहा था। जब अल्लाह सहाबी अल्लाह के नबी का नाम लेकर कोई रिवायत करता है, बात बोलता है, तो मरफू रिवायत होती है, वो अल्लाह के नबी की बात भी होती है, वो आपसे सिखाई हुई चीज ही होती है। ये जाहिल है, हदीस इसको आती नहीं। मुफ्ती अजमल ने इसको जाहिल बना के छोड़ दिया, आपने 14 मुकालता दिया कि लफ्ज दिखाओ, ये लफ्ज दिखाए, ये रहीम। देखो मैंने पहले ही कहा था कि ये हदीस नहीं पड़ेगा और लास्ट में ये भाग जाएगा। मैंने इसको हवाला भी दिया था कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास की जो वो हदीस है, तो मतलब हदीस सहाबी से लेकर के अगर मतलब सहाबी बयान करो तो मसला का अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद बनता है। मैंने पहले ही हदीस पढ़ा था कि बला कान रजुल इदा तल्लक इमरतु सलातन क़ब्ल अन यदखुल बिहा तअल्लुहा वाहिदन अला अजरतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसदर मिन इमार उमर रदियल्लाहु, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स तीन तलाक दे, मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक के और उमर रदियल्लाहु अन्हु के इब्तिदाई जमाने में, तो दुखूल से पहले तीन तलाक देता था तो उसको एक तलाक बना दिया जाता था, ना कि किसी और को। और मैंने ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से पेश कर दिया, तो मतलब सहाबी से लेकर के अगर मतलब सहाबी बयान कर दे तो अहले हदीस का पत्ता ही कट जाएगा। इस वास्ते ये नहीं कहता है कि तीन तलाक एक होती है या क्या होती है, तो पता चला कि तीन तलाक अगर एक होती है तो किस माने में कि दुखूल से पहले अगर कोई तलाक दे तो वही तलाक है। अब मैं इसे पूछ रहा हूँ कि ये इजमा कहा है कि एक मजलिस में तीन तलाक है, इसे सही मुस्लिम के हदीस के ऊपर जोर बांधा है, मुझे सही मुस्लिम के हदीस पेश। एक मिनट हो गया, देखो इसका इसकी बंदर की कुलाटिया देखो, फिर ये मंतिक मारा, फिर फंसा। इसने मदखुला गैर मदखुला का फर्क लाया, इसको जाहिर भी यही नहीं मालूम कि हजरत उमर ने जो एक बक्की तीन तलाक तीन कही, इसके हनफी मजहब में उसका क्या माना मफहूम लेते, मदखुला के लिए लेते गैर मदखुला के लिए लेते, ये जाहिर को आज तक मालूम नहीं। 800 साल में किस पे तीन तलाक नाफिज कर रहे थे? इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी तीन तलाक बैन की, मदखुला वाली या गैर मदखुला वाली? ये 800 साल से किस पे फतवे लगा रहे हजरत उमर के उठा के? और जब इनकी जहालत फंसती है कि इजमा के खिलाफ है, हजरत उमर के खिलाफ है ये बात, और हजरत उमर ने उसमें क्या कहा है हदीस में कि जिस चीज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहलत दी थी
उसमें लोगों ने जल्दी की। अब किसमें मोहलत दी थी? मदखुला गैर मदखुला के एक वक्त के तीन तलाक में नहीं दी थी, बल्कि तीन तलाक तीन महीने में दी जाए, ये मोहलत थी। ए पूरा महीने पूरा मिनट में हो गया, हो गया, चालीस से शुरू हुआ था आपका, चालीस हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखो मदखुला गैर मदखुला, और ये हुकूमत हिंद की तरफ भाग रहा है, ये कितना बड़ा मतलब मुनाफिक होगा जो क्या कह रहा है, किसका सपोर्ट कर रहा, हुकूमत हिंद का। और यहाँ जी हो गया कि तीन तलाक अगर दे तो तीन तलाक ही दी गई, तो तीन तलाक वाकई होती। सहाबा बताते तमाम उलमा तीन तलाक देता तो तीन तलाक ही वाकई होती है। इसमें कई मुस्लिम के हदीस के ऊपर झूठ बोला है कि तीन तलाक अगर एक मजलिस में दे तो एक ही तलाक होती है। मैं इससे मुतालबा करूँ कि सही मुस्लिम की वो कौन सी हदीस है कि तीन तलाक एक ही मजलिस में अगर दे तो एक तलाक होगी। मैं सही मुस्लिम के हदीस के ऊपर इसमें झूठ बोला, अल्लाह की कसम ये सही मुस्लिम में हदीस दिखा दे मुझे, मैं मानने के बाद तैयार हो गया। सही मुस्लिम में कहाँ लिखा हुआ कि हदीस के तीन तलाक, तीन तलाक वाकई होती और तीन तलाक अगर दे तो तलाक वाकई होती, इसके ऊपर इजमा का है। मैं इससे मुतालबा करूँ कि ये दिखा दे, कहाँ इसमें इजमा कहा है, दिखा दे। देख लो फिर ये अभी पलटी मार के भाग गया और बोलने लगा इंडिया गवर्नमेंट की मिसाल देता है। जब तू मर्डर की मिसाल दे सकता तो मैं इंडिया गवर्नमेंट की मिसाल नहीं दे सकता लेकिन मैं दीन के खिलाफ मिसाल नहीं दे रहा हूँ, ये कज़्ज़ाब कुरान हदीस के खिलाफ मर्डर की मिसाल देख के कुरान हदीस यानी अल्लाह का कानून बना रहा था, हराम हलाल तय कर रहा था। मैं तो वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनका अमल बता रहा था कि इमाम ये जो झूठ बोल रहा है और आज मक्कारी कर रहे हैं कि हदीस किधर है, ये इनका धोखा है। ये अल्लाह की कसम खा के कहते कि सही मुस्लिम में इसने हदीस पढ़ा नहीं, इसको हदीस मालूम नहीं, अल्लाह की कसम खा कर कहे कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के जमाने में एक वक्त की तीन तलाक हजरत उमर के जमाने में और हजरत उमर के दौर में एक वक्त की तीन तलाक एक शुमार की जाती थी। अब उस पर यही बहाना करके भागा, मदखुला गैर मदखुला था, फंस गया। क्यों? क्योंकि इनको यही नहीं मालूम कि आजकल हम क्यों उस फतवे को उठा के किधर चिपका रहे थे, मदखुला पे चिपका रहे थे गैर मदखुला, तो मदखुला गैर मदखुला का ये पलटी मार के भाग गए यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा था ना कि ये नदीम शरीफ जिंदगी में सही मुस्लिम के हदीस को पेश ही नहीं, क्योंकि सही मुस्लिम की वो हदीस की तीन तलाक अगर तीन एक मजलिस में दिए तो एक वाकई होती, ये तो हदीस के ऊपर बहतान हो जाएगा ना। ये कहता है मुझे पढ़ दे, मैं क्यों पढ़ू, मैं कहता हूँ ये अहले हदीस पूरी जरूरत है अहले हदीस सकती है, लेकिन कभी मुस्लिम की ये अल्फाज नहीं दिखा सकती है। राज सुवाल तो मैंने जो तीन तलाक के बारे में जो कहा था कि तीन तलाक एक होती है, उसका मतलब मैंने सहाबी रसूल खुद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि बला कान रजुल तीन तलाक शुरू में जो होती थी दुखूल से पहले उसको एक करार दिया, तो ये दुखूल से पहले की बात होती है। अब्दुल्ला मतलब नहीं समझा रही। अब मैं कह रहा हूँ सही मुस्लिम के हदीस का है जिसमें नदीम कहता है तीन मजलिस एक मजलिस में तीन तलाक, सही मुस्लिम की हदीस पढ़ दे, बस मैं मुंतजिर हूँ इस बात का कि तीन एक मजलिस में तीन तलाक दे तो एक तलाक वाकई होती है, मुझे पढ़ करके बता दे। देखो फिर ये भागा बारहवें राउंड में और मुगालता धोखा दिया और कज़ब बयानी किया। मैंने इससे पूछा तू अल्लाह की कसम खा कर कह दे कि सही मुस्लिम में ये हदीस नहीं है, तब तो मैं दूंगा ना, लेकिन ये नहीं बोल पाया, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। फिर मेरा दूसरा सवाल था कि तुम मदखुला गैर मदखुला का जो फर्क लाए हो, 800 साल में हनफियत किस पर फतवा दे रही थी आज तक, मदखुला पर दे रही थी या गैर मदखुला पर, तुम हलाला किसका कर रहे थे 800 साल से, मदखुला का या गैर मदखुला का। अभी हजरत उमर की हदीस का हीला बहाना करके जो तावील पेश किया था फंसा, तो फंस गया तो इतना फंस गया कि बेचारा सही मुस्लिम की हदीस में हदीस मानने को तैयार नहीं है इजमा मानने को तैयार नहीं है। सहाबा का इजमा हजरत उमर उस हदीस में कह रहे हैं, वो तो आगे मैं हदीस दूंगा इंशाल्लाह, अभी मैंने इस्लाम 360 खोल लिया हूँ, लेकिन ये सब इतना कह दे अल्लाह की कसम खाकर कि सही मुस्लिम में वो हदीस इसने कभी पढ़ा नहीं, इसको बताई नहीं गई, तब तो हम बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये दलील देने से आजीजो काफिर कल भी, और इसमें कहा कि मैंने इजमा दिखाया, मैंने इजमा दिखाया है कि अगर तीन तलाक दिया तो तीन तलाक हुई, क्यों अल्लाह उतलिका सलासन, इसलिए तो उसे तीन तलाक दी है, इस तलाक तलब यानी तीन तलाक वाकई होगी। सब ने इसी आयत से इस्तिदलाल करते हुए कहा कि तीन तलाक अगर दे तो तीन तलाक वाकई, इसके ऊपर हदीस नहीं पड़ा। इसने कहा सही मुस्लिम में हदीस है कि एक मजलिस में तीन तलाक दे तो एक तलाक वाकई होती। मैं पूछता हूँ कि सही मुस्लिम में कहाँ है प्लीज, कौन से बाब में कहाँ लिखा है, थोड़ा पढ़ करके तो मुझे बता दो कि हाँ एक मजलिस में तीन और उसको एक तलाक बताया गया हो। मैं चैलेंज करता हूँ कि नदीम खान का
लेकिन तीन से हदीस नहीं दिखा सकता और ना ही इजमा दिखा सकता है कि तीन तलाक अगर तीन तलाक वाक होती चाहे वो किसी से भी ले इमाम मालिक हो चाहे कोई भी हर एक अइमा अरबा ने भी तीन तलाक वाक होती है इस पर तो सबका इजमा मैंने इजमा दिखा भी दिया इमाम मुंजर इजमा इस बात को अगर कोई तीन तलाक दे तो तीन तलाक ही वाक होती है। बिस्मिल्लाह। अरे तूने अभी तक बताया नहीं क्यों मधुकुला है गैर मधुकुला वाली थी जो तुम्हारा फर्क तो हंसी लोग किस पे फतवा दे रहे थे 800 साल में मधुकुला पे दे रहे थे गैर मधुकुला पे एक बस की तीन तलाक वाला उसका तो तू भूल कर गया। अब तेरे को इजमा तो समझते नहीं इजमा किसे कहते सारा एकराम बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी के जमाने में अबू बकर के जमाने में हजरत उमर के शुरू के दौर में तो तेरे को इजमा समझ में नहीं आ रहा है कि जमाना पूरा जिक्र कर रहे किसी का इख्तलाफ नहीं कर रहे। अगर इख्तलाफ होता तो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम हजरत उमर कोई भी साहबी इख्तलाफ करता और फिर हजरत उमर ये कह रहे हैं कि तीन की मोहलत अल्लाह ताला ने दी थी उसमें इन्होंने जल्दी की जिसकी अल्लाह ताला ने उस जल्दबाजी को मैं उनको लौटाऊंगा वो सजा है वो ताजीरी हुक्म है वो ताजीरी हुक्म खलीफा दे सकता है ये तो ये मुफ्ती अजमल जैसे बिदअती लोग नहीं दे सकते क्योंकि वो तलाक नहीं हुई है उसके बाद पावर है वो चाहेगा तो अलग भी करा देगा तुम्हारी तलाक नहीं हुई तुम्हें सजा मिली वो ताजीरी हुक्म है वो शरीयत नहीं है वो कानून नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म नहीं दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो इसने फिर हदीस नहीं पढ़ी है और मैं चैलेंज करता हूँ कि ये हदीस किसी तरीके से नहीं पढ़ सकता और ना ही इजमा दिखा सकता। रासवाल तीन तलाक एक होती थी तो मैंने इसकी वजाहत भी कर दी कबल अयदखुल बिहा जालुहा वाहिद ठीक है तो ये मैं लफ्ज दिखा भी दिया हूँ हवाला भी दे दिया हूँ पढ़ करके। अब मैं नदीम खान से मुतालबा कर रहा हूँ कि कहाँ है वो सही मुस्लिम ने हदीस जिसमें कहा गया कि तीन तलाक हो तो तीन तलाक नहीं होती एक तलाक वाती होती है। जरा मुझे दिखा तो दे पढ़ करके ये तीन तलाक एक मजलिस में दिए कभी जिंदगी में जरूरत आजीज और काफी लंगड़ी दिल्ली रासवाल इसने हमारे असातिज़ाए कराम का नाम लेना शुरू किया हमारे उस्तादुल मुकर्रम का नाम लेना तो मैं कह रहा हूँ अभी उधर ना जाए ना पहले अब्दुल्ला खान से बात कर ले अगर इनकी औकात है मुझसे अगर बात कर सके तो फिर आगे निकले ना। ये हदीस तो नहीं सही मुस्लिम से दिखा है रासवाल इससे कहा इजमा इजमा तो इस बात पर है कि इजमा को नकल किया किस इमाम मुंजिर रहमतुल्लाह और अगर अब्दुल्ला इब्न उमर उमर रजी अल्लाह अन्हु पर माना है कि अगर तीन तलाक दी तो तीन तलाक होगी क्यों अन्ना उखलिका तलाक उसको तीन तलाक ही दी गई है तो तीन तलाक ही वाक़ होगी और साफ वजाहत भी कर दिया कि अगर तीन तलाक दी तो तीन तलाक ही वाक़ होगी ना कि एक तलाक वाक़ होगी। समझ में आ गई बात तो मैं फिर से मुतालबा करूंगा नदीम खान से कहाँ है वो सही मुस्लिम की हदीस या इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह यारे के ऊपर इसने बोहतान बांधा है। मैं मुतालबा करता हूँ नदीम वाली पेश करें। भाई फिर भागा ही फिर एक झूठ बोल के भागा कि वो हदीस मुस्लिम में कहाँ है। पहले तू इकरार कर ले कि मुस्लिम में हदीस नहीं है तब तो हम देंगे। तू कसम खा ले कि तूने कभी हदीस मुस्लिम में नहीं पढ़ा तभी तो हम देंगे वरना हम काम पे लगने वाले लोग नहीं है। और इस झूठे ने फिर वो कहा कि तीन तलाक दी जाए तीन होगी। अरे तीन तलाक दी जाए तीन होगी वो तो हम काम इनकार किए तीन महीने में तीन देगा तीन होगी एक वक्त की तीन होगी एक वक्त में तीन दीवी तीन होगी इस पर तेरे को कुरान हदीस पेश करना पड़ेगा समझा। और तूने जो धोखा दिया है कि मधुकुला और गैर मधुकुला वाला उसमें से क्या तेरे को दस लग गए तेरे उलमाओं के ने जो तेरे को मुगालता सिखाए थे उसमें क्या तेरे हवा मुगालती की हवा निकल गई कि वो मधुकुला के लिए था कि गैर मधुकुला के लिए हंसियत 800 साल से फतवा किस पे दे रही थी। तुम्हारे यहाँ कितने इतने केस हुए जो हजरत उमर की वो हदीस उठा के एक वक्त की तीन तलाक तो मधुकुला और गैर मधुकुला पे तुमने दिए हो फर्क करके हदीस पेश नहीं करेगा आजीज और काफिर हमें पे नहीं कर दिया रास्ते के लिए कहता है कि तूने पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं कहता हूँ सही मुस्लिम में वो हदीस है ही नहीं है पढ़ने की क्या बात है यार मैं जमाते पंजुम पढ़ रहा हूँ अबे हमारे को दर्श में सही मुस्लिम नहीं पढ़ाते। अब रासवाल के आपने पढ़ा तो हवाला तो आप देंगे ना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अनु की जो हदीस है आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अनु ही मुंह बंद कर दिया अबे अयद को दिया। अब मैं आप नदीम खान से मुतालबा कर रहा हूँ किसने कहा कि एक मजलिस में तीन तलाक दिए तो तीन तलाक वाक़ नहीं होती है एक तलाक वाक़ होती है ये तिल का वाहिद है ये मुझे दिखा था ना नदीम खान की जरूरत है अहले हदीस को मेरा चैलेंज है इस बात पर। बिस्मिल्लाह। हो गई गई बात बोलो आगे चलो। मधुकुला गैर मधुकुला का फर्क अभी तक तुमने बताया नहीं कि हजरत उमर की जो हदीस थी सही मुस्लिम की जो तू बोल रहा है कि वो मधुकुला गैर मधुकुला के लिए थी और अभी तू कज़्ज़ाब बोल रहा है कि सही मुस्लिम में वो हदीस ही नहीं है
इसका एक और झूठ देखो, जब मैंने वो हदीस पेश किया था तो उसकी शरह ये खुद कर रहा था पागल, बोला वो हदीस मदखूला गैर मदखूला के लिए फर्क बता रहा था, और अब बोलता है कि वो हदीस है ही नहीं और इसने मदरसे में पढ़ा ही नहीं। जब तूने मदरसे में पढ़ा ही नहीं, तेरे को पढ़ाई नहीं गई है, तो कुरान ने कहा जब तुम्हें इल्म नहीं हो तो बात मत किया करो। तो जब तुझे इल्म नहीं है तो तुझे तेरे मालिम होने एक झुंझुना बना के छोड़ दिया कि तूने एक फर्क तो कर दिया हजरत उमर का। मैं तेरे को फिर बता दूं कि हजरत उमर की वो हदीस सही मुस्लिम की मदखूला के लिए है कि गैर मदखूला, पहले तय कर ले फिर बात कर। देख फिर तेरी और तेरे आलिमों की कितनी जहालत और मुगालते लोगों के सामने लाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने देखो फिर से हदीस नहीं पढ़ा है और ये कहता है कि तुम हवाला दो। मैं कह रहा हूँ ना कुरान खुद कहता है ना वला तक्तुम अलैहि लका इल्म, तो इसमें जहालत की बात तो नदीम खान ने की है ना कि इसने कहा सही मुस्लिम में रात हुआ। जो ये हदीस का मैं जवाब दे रहा हूँ ये समझने के लिए हदीस ये सही और ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ये के ऊपर मतलब ये क्या कर रहा है झूठ बोल रहा है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह लेगी मैं मदखूला गैर मदखूला भी आका ये करूंगा फर्क बता दूंगा और सब कुछ वाकई कर दूंगा, लेकिन ये पहले साबित तो किस जमाने से है कहाँ है किस किसने किसने रिवायत किया कि तीन तलाक अगर दे तो एक तलाक वाकई होती है ना कि तीन तलाक वाकई होती है। इससे मुतालबा करो वो हदीस तो मुझे दिखाए नदीम खान ने झूठ बोला इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, वरना इमाम मुस्लिम ने अगर नकल किया तो वह हदीस नकल कर दे। मैं खामोश हूँ, मैं मुंतजर हूँ कि नदीम खान हदीस पढ़े। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि नदीम खान मुझे सही मुस्लिम की हदीस दिखा दे। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। देखे आपने फिर बातें बनाया, असल में औरतें जैसी बातें बनाती है, कभी वही हाल हो गया। अगर वो हदीस नहीं है सही मुस्लिम में नहीं है तो जब मैंने शुरू में वो हदीस पेश किया था तो इसने उसकी शरह करते हुए ये क्यों कहा कि हजरत उमर का वो फतवा गैर मदखूला के लिए। अब इसका झूठ एक और पकड़ा गया और उसने गैर मदखूला मदखूला का जो फर्क कर लिया। अब इससे हनफियत पूरी फंस गई 800 साल से। 800 साल से वो हमको धोखा दे रहे थे कि हजरत उमर की जो हदीस का ये माना लोगों के सामने बयान करते हैं सूफी झूठे होते हैं ना, करते कुछ है बोलते कुछ और है, करते कुफ्र शिर्क बिदअत है और बताते हैं अहले सुन्नत और दीन है। अब देखो फंस गया हजरत उमर की हदीस पे, अब जिद कर रहा है बताओ। अरे बताएंगे हम तेरे को लोड मत। लेकिन तूने जो शुरू में शरह करा था तो अगर वो हदीस नहीं तूने शरह कैसे किया कि हजरत उमर ने जो एक वक्त तीन तलाक को एक कहा तीन किया तो वो मधुखुला गैर मधुखुला का फर्क कैसे किया था। मैं पढ़ा भी दिया था और पढ़ करके सुना भी दिया था, लेकिन नदीम खान ने अब तक क्या हदीस नहीं पढ़ी है ठीक है। और मैं कहता हूँ ये हजरत उमर रजी अल्लाह अनु का ये फतवा नहीं है, ये हदीस मरवी है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अनुमा से। इस वास्ते मैंने जवाब दिया था अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अनुमा से ही कि कबल अय्यदुल बिहा जअल्लाह वाहिदा। मैं नदीम से फिर से मुतालबा करूंगा कि वो सही मुस्लिम में कहाँ है वो हदीस, जरा मुझे दिखा दे तो ना। तीन मजलिसिन वाहिद तीन मजलिसिन वाहिदिन ये तिल का वाहिद ये लफ्ज मुझे दिखा दे नदीम खान, मैं मानने के वास्ते तैयार हूँ। वरना ये तस्लीम कर ले इस बात को कि इसने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर झूठ बांधा है। मैं फिर से मुतालबा करूंगा कि नदीम खान वो हदीस तो जरा पेश कर दे, ये कहाँ लिखा हुआ कि तीन तलाक एक होती है। मैं फिर से मुतालबा कर रहा हूँ कि जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखो फिर इसने एक धोखा दिया, जैसे कि अनपढ़ आवाम को धोखा देते हैं पर इनको सिखाया ही जाता धोखा देना। अब पलटी मारा दूसरी कि मैंने तो इब्ने अब्बास का फतवा पेश किया था कि वो गैर मदखूला के लिए है। अबे तो मैंने कब बोला कि तूने हजरत उमर की हदीस या अल्लाह के नबी की हदीस पेश किया था। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि मेरी हदीस का रद्द करने के लिए जो मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पेश किया था हदीस सही मुस्लिम वाली, तूने उसी का रद्द करने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का फतवा दिया। अब तेरे को जाहिल को ये नहीं मालूम कि फतवा नहीं लिया जाता हदीस ली जाती है। अगर हदीस में एक वक्ती तीन तलाक है और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बोले एक वक्ती तीन तलाक तीन हो जाएगी तो इसमें बड़ी बात कौन सी है, अल्लाह के नबी की बात है, इजमा है, फतवा है, इजमा है, अल्लाह के नबी की बात है, हदीस है या किसी का फतवा। तो किसी के फतवा बड़ा नहीं होता कुरान हदीस से। और इसका झूठ पकड़ाया गया है। अब ये बातों को उलट पुलट रख रहा है, इसके मतलब में कुछ नहीं है। मधुकुला गैर मधुकुला का जो फर्क कर रहा है ना, इसने इतनी बुरी तरह फंसा है कि 800 साल के और 800 साल हमसे जान छुड़ाएगी। तो इसने कहा सही मुस्लिम से, सुनते होंगे ना कि इसने अभी तक सही मुस्लिम से हदीस नहीं पढ़ा और मेरा चैलेंज है कि ना पढ़ सके। दूसरी बात इसने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अल्लाह अनुमा का जो मतलब जो हदीस जिसमें है और खुद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और ये उसूले मुहद्दिसीन से भी ना वाकिफ है कि राजी का खुद हदीस के खिलाफ अमल करने वाली हदीस को नहीं लिया जाएगा। मैं एक नहीं 1000 उसूल पेश कर दूंगा।
पर आदि कहता है कि तीन तलाक दे तो तीन तलाक वाकई होती है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु मरते दम तक फरमाते हैं कि तीन तलाक अगर दिए तो तीन तलाक ही वाकई होती है। लेकिन ये पेश करने से आजीज व कासिर है, मैं कह रहा हूँ ना कि ये सही मुस्लिम की जो हदीस की जो ये बात कर रहा है ना, मुझे इसी के ऊपर इसको अटका करके रखना कि ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि के ऊपर ये झूठ बांध रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। अगर ये हदीस अगर होती सही मुस्लिम में तो ये हदीस पढ़ देता था, सही मुस्लिम में ये हदीस है ही नहीं है तो झूठ बोल रहा है ना, ये किस बयान ही कर रहा है। जैसे कि अहले हदीस की सिफत है, वो सिफत को ये बयान अहले हदीस झूठ बोलते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सही मुस्लिम में कहाँ है हदीस, वो जरा बता दे कौन से बात में है, हदीस नंबर क्या है, सफा नंबर क्या है, मैं पढ़ना कर रहा हूँ। तो ये तो ना सही मुस्लिम में ये हदीस है, रावी का खुद हदीस के खिलाफ अमल करना ये इस बात की दलालत करती है कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो मतलब हदीस के ऊपर जो अमल ना करे तो ये कैसी बात है, अजीब अहमक वाली बात हो जाएगी ना कि सहाबी खुद हदीस के खिलाफ जाएगा। मतलब रसूलुल्लाह की बात को जितना सहाबा ने समझेगा, आज का ये गैर मुकल्लिफ विक्टोरिया समझेगा, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि की जो शरह थी अल्लामा नौवी रहमतुल्लाह ने खूब उसकी अच्छी तरीके से वजाहत कर दी है, समझे। जो मैंने पहली रिकॉर्डिंग में इस बात की वजाहत की थी, इमाम नौवी रहमतुल्लाह ने क्या वजाहत की है वो देख सकते हैं शरह नौवी में, अल्लामा नौवी रहमतुल्लाह अलैहि शरह मुस्लिम में खूब अच्छी तरीके से। अब मैं तरीक से मुतालबा ये हदीस मुस्लिम में कहाँ है, हदीस बाब नंबर, बाब सफा नंबर, हदीस नंबर बयान कर दे। देखिए इसका शैतान जाग गया है, इसका जिन जाग गया है, ये पगला क्या क्या बग रहा है इसको खुद नहीं मालूम। ये कज़ाब कितना बड़ा झूठ सीना दूरी है, हिटलर की औलाद दिखता है जो झूठ भी बोलता है सीना ठोक के बोलता है। हदीस के खिलाफ अगर रावी का अमल हो तो रावी का अमल लिया जाएगा, हदीस नहीं, और इस पर 1000 दलील देगा, इससे बड़ा झूठा कज़ाब। इस पर तो इजमा इत्तेफाक है कि हदीस के खिलाफ तो जाए, इसके इमाम हनीफा का कौल इनकी किताबों में है, वही ताल हदीस फहुआ मजहबी, जब कोई सही हदीस आ जाए तो सही हदीस लो, सबका इत्तेफाक है। इमाम शाफई इमाम हम्बल क्या फरमाते हैं कि अगर हदीस आ जाए सही हदीस के खिलाफ मैं अमल करूं तो समझ लो मेरी अक्ल जायल हो गई। अबू हुरैरा फरमाते थे ए भतीजे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को, मैं तुम्हारे सामने हदीस रसूल पढ़ रहा हूँ और तुम मेरे सामने अबू बकर उमर की बात पेश कर रहे हो, हजरत उमर का फतवा है, हजरत उमर का बात, हजरत उमर का अमल, अबू बकर का अमल नहीं लिया हदीस के आगे, कज़्ज़ाब बोलते हैं इसके 1000 दलीलें हैं, इस कज़्ज़ाब को इसकी अकल ज़ायल हो गई, ये गुमराह हो गया। एक ऐसा उसूल पेश किया है जो शिया राजी ख्वारिजों का है, जबकि इमाम शाफई बोलते हैं कि जो हदीस को छोड़ दे वो हलाकत के किनारे पर है, हलाक हो गया, और रावी का अमल देखा जाएगा, हदीस को छोड़ दी जाएगी, इससे बड़ी कादियानियत क्या होगी। कादियानी इसे ही कहते हैं कि जो कुरान हदीस से आगे किसी और को खड़ा कर दे। इमाम इसहाक राहू कहते थे कि अल्लाह के नबी के बात की आगे किसी की बात पेश करे ऐसा शख्स काफिर और मुशरिक है, और ये बोलते हैं 1000 दलील देगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये दूसरे टॉपिक की तरफ आना शुरू कर, सहल हदीस हुआ मधरी में उसका जवाब दूंगा, लेकिन ये बात दूसरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की तरफ चले जाएगी। ये इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहि हाफिज इब्न हजर असलानी शाफई रहमतुल्लाह ने खूब बेहतरीन तरीके से इसका जवाब दे दिया है, मुझे जवाब देने की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि टॉपिक चेंज हो जाएगी। मैंने कहा कि क्या अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात मालूम नहीं थी कि अगर तीन तलाक दे तो तीन तलाक नहीं होती बल्कि एक तलाक वाकई होती है, या अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ज्यादा बेहतर जानेंगे, या मतलब आज का जो पैदा हुआ गैर मुकल्लिफ विक्टोरिया वो ज्यादा समझेगा, फिर फतवा क्यों अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी। मतलब ये कि सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल खुद अल्लाह के रसूल वसल्लम की मुखालफत करते थे, नौज़ुबिल्लाह अहले हदीस का जवाब दे। और ये क्या कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि मैं तुम्हारे सामने अल्लाह के रसूल वसल्लम की पैगाम पहुंचा था, तुम्हारे तो उमर फारूक थी, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बात करो तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुद अल्लाह के रसूल वसल्लम का इरशाद है ये तदउ मिम्बादी अबी बकर व उमर, कि मेरे बाद तुम अबू बकर और उमर की इक्तिदा करो, और इस जाहिल कितने बेशर्मी की हद। मैं पूछना चाहूंगा, मुतालबा करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं इसे पूछ रहा हूँ कि ये सही मुस्लिम की हदीस क्यों पेश नहीं कर रहा, क्यों ये आजीज़ो कासिर लंगड़ा लूला है, क्यों ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ये हजरत मतलब किसकी हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर नौज़ुबिल्लाह इब्न ज़ालिक लाम पान कर रहा है। मैं इसे कह रहा हूँ पहले सही मुस्लिम की वो हदीस मुझे दे रहे कि सही मुस्लिम में कहाँ लिखा हुआ, और जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने अल्लाह के रसूल की बात करो, तुम उमर फारूक की बात करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बात करो, अल्लाह के रसूल
कितना बड़ा झूठ ये मक्कार है। मैं पूछना चाहता हूँ ये सब रिवायत कहाँ मौजूद है, जरा मुझे ये ला करके दिखाई। उससे पहले मैं कर रहा हूँ, फिर से मुतालबा कर रहा हूँ, देखो रिकॉर्डिंग लंबी होती जा रही है नदीम खान, अब तक सही मुस्लिम की हदीस पेश करने से आजीज़ो काफिर। और मैं अल्लाह की कसम खा करके कह सकता हूँ इस बात पर कि नदीम खान मर तो जाएगा लेकिन सही मुस्लिम की हदीस पेश नहीं करेगा। जज़ाकुमुल्लाह ताला। देखिए आपने फिर इसने अपनी जहालत को आम करते हुए और लोगों ने कह दिया है, बता दिया, ये झूठा झूठ बोल देता है। जैसे इसने बोल दिया मदखुला गैर मदखुला का फर्क, अब फंस गया, हंसियत पूरी फंसी पड़ी हुई है कि हजरत उमर की वो हदीस मदखुला के लिए थी कि गैर मदखुला के लिए। इब्न अब्बास का फतवा पेश कर दिया, फिर झूठ हर जगह अपनी जान बचाने के लिए झूठ पे झूठ, धोखे पे धोखा, मुगालते पे मुगालता देता है। अब उसूल क्या पेश कर रहे जाहिल, हजरत अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे बाद तुम अबू गैर उमर की इक्तदा करना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुरान हदीस के मुकाबले में उनकी मदद करना, कि कुरान हदीस आ जाए तो उनकी लेना, समझे, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। जब कुरान हदीस सामने हो तो कुरान हदीस लिया जाएगा। ये खुद हजरत उमर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन थी, समझे। अभी जाहिल ने हदीस और हदीस के खिलाफ फतवा सहाबी का, ये इस पर बहस थी, इसने बहस को किधर ले गया, क्योंकि फंस गया और रोने लग गया और रोएगा सारी जिंदगी, होगा ये लाचार है, लंगड़ा है, लूला है। शुरू से मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इज्मा पे से भागा, सही मुस्लिम के हदीस पे से भागा, सारी चीजों से भागा, अब यहाँ आके कुफरिया उसूल पेश किया था, गुमराहों का उसूल के हदीस को छोड़ दो, जैसे इनकी उसूल खर्की में लिखा ना कि हमारे इमाम के कौल के आगे कुरान हदीस आएगी तो उसे मनसूख कर देंगे, नहीं तो उसकी तावील कर लेंगे। ये कुफरिया कौल इनके मजहबों में लिखे हुए, ये कुफरिया अकाइद इनके हैं। आज ये उसको 1000 दलील देगा, 1000 में एक देने में इसका पेशाब निकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम खान देखो एक बार फिर से ये भाग गया उसूल करखी की तरफ, हालांकि इसे पूरी इबादत को पढ़ा नहीं है, ये पक्का जाहिल है। इसने देखो क्या कहा है, अल्लाह के रसूल की बात में सहाबा को मैं पूछता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईनी शागिर्द कौन है, रसूलुल्लाह के सुनने वाले कौन है, रसूलुल्लाह की बात जहां समझते हैं ज्यादा सहाबाए कराम समझते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को जितना सहाबाए कराम समझते उतना कोई नहीं समझता। तो ये कहता अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को ले रहे थे अबू बकर सिद्दीक, अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर देख रहे हैं उनकी बात को ले रहे, तो ज्यादा वो समझेंगे ये समझेंगे। मतलब इस बात से साफ बात होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हजरत उमर फारूक का हजरत अबू बकर सिद्दीक के अमल को, मतलब ये कि वो उनके खिलाफ अमल करते थे, यही बात है ना। तो मैं कह रहा हूँ खुद अपने ही गंदे उसूल से सहाबा कराम लाम पान करके ये इतना बड़ा मर्दूद साबित हो रहा है जिसका कोई हद नहीं। मैं इससे पूछ रहा हूँ तो ये देखो अभी कभी उसूल करफी की तरफ भाग रहा, कभी किधर भाग रहा। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मेरा मुतालबा है कि वो सही मुस्लिम की हदीस पेश करे, सही मुस्लिम की हदीस क्यों पेश नहीं कर रहा, वो भाग क्यों रहा है। मेरा मुतालबा है मैं आखिरी रिकॉर्डिंग से यही बात कहूंगा कि नदीम खान सही मुस्लिम की हदीस पेश करे, क्योंकि इससे सहाबा कराम को ही बदनाम कर दिया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरा। शुरू हाँ, इसका ये मुतालबा भी पूरा कर दिया जाता है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 3652 इमाम मालिक बिन अनस ने नाफे से, उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से, नहीं एक मिनट, हदीस पढ़कर के सुनाए, हदीस पढ़कर के सुनाए, एक मिनट, इधर चली गई, सॉरी 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 सॉरी, हदीस मिस हो गई, हदीस मिल गई, वो असल में ऊपर वाली हदीस पढ़ दिया मैं। जी जी सनद पढ़े, किधर गई यार, इमाम मालिक बिन अनस ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता हूँ नदीम खान नहीं पूरी जुर्रियत अहले हदीस मर जाएगी लेकिन कभी जिंदगी में ये पेश ही नहीं कर सकेगा। देखो नदीम खान कैसा हैरान और परेशान और शस्तर रह गया है, मिल गया हदीस पढ़ना आया तो इसे झूठ बोलना शुरू कर दिया और न जाने कैसी कैसी बातें करना शुरू कर दिया, लेकिन ये अपना वक्त जाये करता रहा, हदीस नहीं पढ़ सका क्यों, इसको पता है कि हदीस में ऐसे अल्फाज ही मौजूद नहीं है ना, क्योंकि वहाँ ये हदीस पढ़ेगा ये फंस जाएगा जिस बात पर कहता है कि इज्मा है उसी हदीस में क्या लिखा हुआ अल्लाह, मिल गया हदीस, ये पढ़ेगा तो इतना मुस्लिम है तो इसलिए डर डर की हदीस सही मुस्लिम तीन तीसरी हदीस है,
अरे इस जाहिल का इतना पता नहीं है क्या हदीस? अभी फोन कट करके मत काटना तो। जिस उनवान पे ये बात मेरे वक्त में बोला तो मुंह मारो क्या? तो पागल हदीस को नहीं पढ़ा। चल हदीस पढ़ा, सुन हदीस पढ़ा वाले सुन। हदीस नंबर 3673 3673 जी हदीस पढ़े। मामर ने हमें इब्ने ताऊस से खबर दी, उन्होंने अपने वालिद ताऊस बिन केसान से, उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अनु से रिवायत की। इब्ने ताऊस जो है इब्ने अब्बास के शागिर्द है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह अनु के अहद में और हजरत उमर की खिलाफत के इब्तदाई 2 सालों तक इकट्ठी 3 तलाकें एक शुमार होती थी। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अनु ने कहा एक मजलिस में एक लफ्ज पढ़े, अभी शाम में हदीस से लफ्ज पढ़े, आप हदीस से लफ्ज पढ़े, आप बोल रहे हैं जिसमें उनके लिए तहम्मुल और सोच बचा जरूरी था, अगर हम इस उजलत को उन पर नाफिज कर देंगे तो शायद वो तहम्मुल से काम ना लेना शुरू कर दे। इसके बाद उन्होंने उसे उन पर नाफिज कर दिया, इकट्ठी 3 तलाकों को 3 शुमार करने लगे। 3000 कौन 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 फिर हदीस सुन। अब हजरत ने क्या बोला हदीस के हदीस के जो अल्फाज है ना वो अरबी में पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहा हूँ पहले। तर्जुमा जो कर रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं तर्जुमा बेटा, तर्जुमा तो गलत कर रहा हूँ ना, तो हदीस के अल्फाज नकल करें अल्लाह मैंने नहीं किया जो मैं गलत कर रहा हूँ, ये इस्लाम 360 पे मौजूद है, उन पर हदीस के अल्फाज नकल करें। हाँ 3673 अरे अल्लाह के बंदे ये हदीस के अल्फाज में ये पागल के ये आदत है। इंटेल पहले मेरे को तर्जुमा पढ़ लेते, बीच में बड़बड़ाए मत, तेरा जिन पर हदीस पर हदीस हदीस के अल्फाज पढ़ मजलिस के अल्फाज दिखा, पहले मेरे को तर्जुमा पढ़ लेते फिर अरबी सुनना, तू इतना रोक आई क्यों रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो इसका 1 मिनट हुआ लेकिन इसने अब तक हदीस नहीं पढ़ा, दिन का लफ्ज दिखाना लेकिन ये इसे दिखा नहीं। और इसने कहा अब्दुल्ला उमर रजी अल्लाह अनु का फतवा क्या है कि 3 तलाक के अंदर 1 तलाक वाकई होती है? चल वाहिदीन का लफ्ज हदीस पढ़ता, अरे चुप मेरे बीच में क्यों बात है? वक्त जाय हुआ तेरा, 1 मिनट वक्त जाय हुआ, तूने हदीस नहीं पढ़ी है, मेरी क्या गलती है ना? मेरी कोई गलती नहीं, नॉन स्टॉप कर रहे पढ़ दूंगा मैं। तो इसने हदीस पढ़ा नहीं, और इसे देखो इस बात पर गौर करना कि इजमा किस बात पर है कि 3 तलाक अगर दिए तो 3 नहीं 1 वाक़े होती है, ठीक है। दूसरी बात इसने कहा कि यार उमर रजी अल्लाह अनु फरमाते हैं कि 3 तलाक अगर दे तो 1 तलाक वाक़े होती है, और ये अभी क्या पढ़ रहा है हदीस में कि उन्होंने 3 को 3 नाफिज कर दिया, तो पता चला देखो अरे दे उमर रजी अल्लाह अनु किस तरह है, इसको समझ में आता हदीस पढ़े बिस्मिल्लाह। हद्दसना इसहाक इब्न इब्राहिम व मुहम्मद इब्न राफी हेलो हेलो व लफ्ज लि इब्न राफी قال إسحاق أخبرنا وقال ابن راتي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله على عهد رسول الله بيج میں مت بول کذاب حدیث غلط پڑھا تو بولوں گا حدیث غلط پڑھا تو بولوں گا ارے تیرا جن جائے گا ہے نا ابھی تو بھی ایسی سن گئی تھی سننا میں کیا بول رہا ہوں اگر آپ حدیث کو صحیح پڑھیں میں نہیں بولوں گا اگر آپ حدیث کو صحیح پڑھیں وسنتين من خلافة عمر ثلاثة واحدة 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 فقال عمر بن الخطاب إن الناس آواز کٹ رہی ہے آواز کٹ رہی ہے آواز کٹ رہی ہے واحدة پھر سے تھوڑا اوپر جا کے پڑھ رہے آواز بھی کٹ گئی ہے ہاں آواز ابھی تیرا سب کٹے گا اب آواز صاف آ رہی نہیں ہاں میں ذرا نیٹ ورک میں آتا ہوں پھر تیرا سب کٹے گا ابھی नेटवर्क में आ जाए तो डर रहा क्यों मैं कर दूंगा हटके तो तेरी हो गई नहीं चल अल्लाह के बंदे नेटवर्क सुनो इब्राहिम حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافين واللفظ لابن رافين قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافين حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة طلاق الثلاث واحدة طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليهم ترجمة
मुअम्मर ने हमें इब्ने ताऊस से खबर दी, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अनु से रिवायत की, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह के अहद में हजरत उमर की खिलाफत के शुरू में 2 सालों तक 3 तलाक के 1 शुमार होती थी। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अनु ने कहा लोगों ने ऐसे काम में जल्दबाजी शुरू कर दी जिसमें उनके लिए तहम्मुल और सोच विचार था। अगर हम उनकी इस उजलत पर उनको उन पर ही नाफिस कर दें, इसके बाद उन्होंने इसे उन पर नाफिस कर दिया। जिस काम में लोगों ने जल्दी की थी उसी काम को हजरत उमर ने उन पर जल्दी किया। क्या जल्दी की थी? एक वक्त में एक ही बार में 3 तलाक दे दिया करते थे। हजरत उमर ने इस बात को इकरार कर लिया कि कुरान हदीस में एक वक्त की 3 तलाक एक ही है, 3 नहीं होती। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस बात की गवाही दे रहे हैं। इसने कहा क्या उमर रजी अल्लाह ने क्या कबूल कर लिया कि 3 तलाक कहते हैं नाफिज कर दिया कि 3 तलाक 3 होती है, ठीक है। अब ये कहता है कि इस बात को इकरार कर लिया कि 3 तलाक 3 होती है। देखो इसने कज़्ज़ाब ने कितना बड़ा झूठ बांधा है। इसने मैंने पहले ही कहा था कि 3 मजलिसिन वाहिदिन का लफ्ज दिखाए, इस हदीस में कहीं भी 1 मजलिस का लफ्ज नहीं है। इसने झूठ बोला इन्होंने मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि के ऊपर। और हजरत अब्दुल्लाह उमर रजी तुम्हारा जो 3 तलाक दे तो 3 तलाक 3 ही वाकई हो जाती है। तो इसी की मैंने इस हदीस का मफहूम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को समझाया था। यानी कि ये मतलब जो तलाक अल्लाह के रसूल सल्लम के जमाने में और होता अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के जमाने में और उसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इब्तिदाई जमाने में 3 तलाक दुखूल से पहले कबल अन यदखुल बिहा जअलुहा वाहिदतन, तो शुरू मतलब दुखूल से पहले उसको 3 तलाक को 1 तलाक मार दे, ये दुखूल से पहले। इसने कहा था कि 3 मजलिसिन वाहिदिन, ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ये पर इसने कज़्ज़ाब ने बयान किया। फरमाया कि अबे तू क्या गया 10 मिनट तक बोलेगा क्या? 10 मिनट तक बोलेगा तेरा जिन जाग गया क्या? अल्लाह के बंदे आपका वक्त है तो आप बोले ना। हाँ देखो इसने फिर झूठ बोला था कि मुझे 1 का लफ्ज दिखाओ, तलाक सलासी वाहिदतन 1 का लफ्ज है, 3 तलाक को 1 कहा जाता था। कौन बोल रहे हैं? इब्ने अब्बास। हजरत उमर ने क्या कहा आगे कि लोगों ने जिस काम में जल्दी की उसको उस जल्दबाजी को हम उन पर लौटा देंगे, उसी बात की वजाहत आगे की। अब ये फंस गया, अब इतना फंस गया अभी तक तो बोले सही मुस्लिम में हदीस ही नहीं है। इस कज़्ज़ाब ने एक झूठ पहले भी बोला था, आपने सुन लोगे, और अब ये हीले बहाने करने लगा है के दखोल से पहले आज तक हनफी 800 साल में एक वक्त की 3 तलाक 3 कर दे रहे हैं, किन पर? जिनका दखोल हो चुका है, यानी हजरत उमर ने दखोल वालों के लिए एक वक्त की 3 तलाक 3 कहा ही नहीं। अरे ये झूठे कज़्ज़ाब हजरत उमर का नाम ले लेकर 800 साल से एक वक्त की 3 तलाक को 3 कर देते थे। दखोल वाले जिनका दखोल हो गया, जिनको दो दो बच्चे हो गए 20-25 साल बाद, ये झूठे कज़्ज़ाब आज तक हजरत उमर का नाम लेते थे। और इनकी जहालत देखो, आज ये बोल रहे हैं कि नहीं वो दखोल से पहले का है। तो ये है हनफियत कार्टूनों का मजहब कि कुरान हदीस वाहिद का लफ्ज देखने के बाद भी जाहिल पूछता है कि हदीस में वाहिद का लफ्ज कहाँ है? वाहिद का लफ्ज इसमें 1 मजलिस दिखाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें मुझे ये दिखा कि ये हदीस में ये लफ्ज किधर है कि दखोल से पहले है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरत ने रिकॉर्डिंग मुलाहिजा फरमाया होगा और मैंने कहा था पहले ही कि 3 मजलिसिन वाहिदिन अहले हदीस की कैद है ना कि 1 मजलिस में अगर 3 तलाक दे तो 3 मजलिसिन वाहिदिन का लफ्ज नहीं है। और इसी पर तो मैंने मुतालबा भी किया था और 10 मरतबा पढ़ा था और 10 मरतबा बताया था। इस हदीस में क्या एक ही हदीस में होना क्या जरूरी है? और इस हदीस में खुद इस बात का इकरार है कि कौन? उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। कौन? तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जिस गली में पैर रखे शैतान भी भाग जाता है वहां से, वो कहते हैं कि 3 तलाक 1 नहीं बल्कि 3 होती है और 3 को नाफिज किया है। तो पता चला और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फतवा दे रहे कि 3 तलाक 3 होती है, अहले हदीस कहते हैं कि 3 तलाक 1 होती है, अल्लाह कहता है 3 तलाक 3 होती है, अहले हदीस कहते 1 होती है।
मैं इस बात का मुतालबा करूंगा कि जो मैंने रिकॉर्डिंग में अल्फाज जो मैंने कहा था कि तीन मजलिस वाहिदिन वाला लफ्ज मुझे दिखाओ कि अहले हदीस कहते हैं कि एक मजलिस, तो मैंने पहले ही मुतालबा किया था कि तीन मजलिस वाहिद, तीन चार बार मैंने इस बात को दोहराया कि तीन मजलिस वाहिदिन का जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इल्जाम लगाया है मुझे इसका जवाब दी। ये तो अहले हदीस के मुताबिक नहीं होना, एक मजलिस की बात क्या, एक मजलिस तीन तलाक दिए तो एक शुमार की जाती है, इसमें तीन तलाक एक मजलिस की कहाँ अल्फाज, ये तो गायब है ना, इसका जवाब मुझे दे कि उन्होंने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पर क्यों बोहतान, क्यों इल्जाम तराशी की है, क्या अहले हदीस क्या शेखैन को भी नहीं छोड़ते हैं। देखिए आपने इस जाहिल का कैसा जुन जागा है, क्या बड़बड़ा रहा है, जोश में कुछ भी बका जा रहा है। जब हजरत उमर ने इस बात की सराहत कर दी कि अल्लाह और रसूल ने तहम्मुल दिया था, इजाजत दी थी, जल्दबाजी नहीं थी, वो जल्दबाजी क्या नहीं थी कि एक तीन तलाक एक साथ नहीं दी जाएगी, तीन महीने में दी जाएगी, जिसका कुरान में जिक्र है। जब कुरान में तीन महीने का जिक्र है, हजरत उमर अपनी तरफ से बोलेंगे नहीं ना, हजरत उमर ने ताजीरी हुक्म दिया था और सजा लौटाई थी उन पर। और ऐसा ही फतवा ताउस रहमुल्लाह अलैह का है, जो इस हदीस के रावी हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, वो भी कहते हैं एक वक्त तीन तलाक एक ही शुमार होती है। जाहिर बोलते ना हदीस साहबी पढ़ेंगे हदीस नहीं समझेंगे, तो हदीस साहबी पढ़ रहे हैं तो उनका शागिर्द भी समझेगा, वो साहबी से ज्यादा सीखेगा कि तू तेरे जाए जाहिल सीखेगा। तो ताउस रहमुल्लाह जो इस हदीस के रावी हैं उनका खुद का फतवा है कि एक वक्त की तीन तलाक एक ही शुमार होती है। ताजीरी हुक्म हुआ उससे हमें इख्तलाफ नहीं है, ताजीरी हुक्म की वजह से दिए उससे हमें इख्तलाफ नहीं है। ताजीरी को शरीयत आप नाम देकर कुरान हदीस का नाम देकर नहीं कर सकते, क्योंकि हजरत उमर ने काम नहीं किया, किसी सहाबी ने काम नहीं किया, किसी इमाम ने काम नहीं किया, बल्कि जिन्होंने भी फतवा दिया वो हजरत उमर के ताजीरी हुक्म को देखते हुए दिया। कुरान नहीं किया, रहा है